गई। जब का लोकेशन ये देखिए, माय फेवरेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग, आज है 1 जनवरी, न्यू ईयर। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और उसके बाद जो है, आज हम लोग जाने वाले हैं अपना येलागिरी हिल्स। सो आज पूरा हम लोग जर्नी होगा, पूरा दिन का तो दिखाते हैं पूरा सीन। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा ना, बिना स्किप किए। तो चलिए मिलते हैं गाड़ी में, पूरा आपको जर्नी दिखाएंगे, पूरा मजा दिलाएंगे और सफर और पहाड़ में बादलों का एहसास दिलाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सब बैठ गए गाड़ी में। दोस्तों गाड़ी का पेट्रोल बढ़ा रहे थे, रुके हैं। देखिए मैंने सेव कराया, कितना बढ़िया लग रहा है, चेहरा चिकना हो गया पूरा। ये देखिए भैया पेट्रोल भर दिए हैं, अब हम लोग फिर अब आगे बढ़ेंगे। पुल से उतरने के बाद कोकोनट ट्री सवाना सुविधा का मौसम तो धूप है, लेकिन अगर खराब रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हिल स्टेशन हम लोग जा रहे हैं तो मौसम थोड़ा सा खराब ही होना अच्छा लगेगा। फेवरेट गाना आंखों से बताना। दोस्तों देखिए तो हल्की हल्की धूप में कुहासे हुई है। देखिए यहाँ क्लियर नहीं आ रहा पहाड़ का व्यू कुहासे के कारण। देखते हैं, वेट करते हैं और आगे मिलेगा सिम। देखिए कितना अच्छा क्लियर नजर आ रहा है व्यू पहाड़ का, गजब है, वाह। It's easy to see you are that someone I've been trying to meet। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं हिल स्टेशन की तरफ, वैसे वैसे नजारा और ज्यादा खूबसूरत होते जा रहा है। सूर्य देखिए नजर आएगा, अभी आगे भी है। ब्यूटीफुल। सो गाइस आलू को करके एक लोकेशन में यहाँ पे लोग आगे बढ़े पहुंचे हैं। अभी भी हल्की हल्की कुहासा है, पहाड़ धरे भी दिख नहीं रहा हमें अभी। पटारे अच्छा लगता है, सूर्य देखने में नजारा, सुबह सुबह हवा खाने में। ये तो मैं इस वजह से कि साउथ में बायरोड ट्रैवलिंग करने में मजा है, मतलब कि ट्रेन बस से कोई इतना इंटरेस्टिंग है जितना बायरोड ट्रैवलिंग करने में मजा आया। और नज़ारा देखने में भाई मेरा फेवरेट कोकोनट ट्री। मन तो करता है कि यहाँ से कोकोनट से नारियल तोड़ के अभी उसका डालना पानी पी। देखें इसमें क्लियर नहीं आ रहा था, अब देखिए व्यू है पहाड़ का, देखिए। दोस्तों देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को बादल पहाड़ पे, ब्यूटीफुल सनराइज। ये देखिए कैसे बादल लहराते हुए जा रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसे एहसास ले रहे होंगे। फिर से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, कुहासा वसा नजर आने लगा फिर से।
कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है व्यू। नाश्ता करने के लिए उतरेंगे हम। हाँ देखिए क्या गजब का लोकेशन, ये देखिए माय फेवरेट। The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone. So we started the breakfast. Bada. फ्रेंड्स हमने नाश्ता पानी कर लिया है, इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, 25 किलोमीटर का सफर और है, फिर हम लोग पहुंचेंगे यलागिरी। आप भैया का लुक देख सकते हैं। हेलो, तो दोस्तों देखिए हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं और व्यू देखिए, और हमने गाना भी इस तरह से लगाया है व्यू के हिसाब से। येलागिरी हिल्स है, तो ये पहाड़ देख रहे हैं, फॉग का दिख नहीं रहा है, हमारा चढ़ाई इसी पर है, हम लोग इसी तरफ जाएंगे। भैया पूरा एनर्जेटिक हो चुका है, अब पहाड़ पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। चढ़ाई हमारा शुरू हो चुका है और ये देखिए सामने का व्यू। आह आह चढ़े, देखिए कितना गजब का सीन। आज हम खा नहीं पा रहे सीन। भारत का फ्यूचर, 5-5 लोडिंग होटल में हुई डिपेंड कितना दे लाइट। होटल के साथ ही देखिएगा।
सो गाइस देखिए आगे है बंदर महाराज। देखिए लोकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हैं अभी देखने के लिए नजारा, फोटोग्राफी के लिए। सीन देखिए मेरे साथ, व्यू साइट्स देखिए कैसा लग रहा है। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं येलागिरी हिल्स, व्यू देख रहे हैं। दोस्तों इसी साथ हम लोग पहुंच चुके हैं येलागिरी हिल्स। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? यहाँ वीडियो मैं अभी यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और मैं अगले ब्लॉग के साथ मिलूंगा, जो कि आप लोगों को पूरा टूर कराऊंगा हिल स्टेशन का यहाँ का। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इसे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीजें दिखाई है और ब्लॉग पार्ट टू में मैं दिखाऊंगा हिल स्टेशन का पूरा सीन, कहाँ कहाँ जाता हूँ, कैसे कैसे घूमता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।